गुलामी ने गुलामी मायू पासू आवणु। इजराइल नो राज्य ने यहोदा नो राज्य बेओ परमेश्वर ना विरुद्ध में पाप की दो वणोवणी वासारे तोड़ी दी दी जो परमेश्वर वणो हाथ है सीने मगरा माय बोंदी हो। परमेश्वर वणो ने पश्चाताप करवो ने मन फिरावो ने वणारी आराधना करो। एरी चेतावनी देवारे वाते अपना भविष्यवक्ता ने मोख लियो पर वणो वणारी वातो मोनवो हूँ इनकार करी दीद। अणा हूँ परमेश्वर वणारा दुश्मनो हूँ वणो रे नाश करवा में सक्षम नहीं कीदा ताकि बेओ राज्यो रे वो दंड आली सके। असुर एक बीजू देश वे तू हो खूब शक्तिशाली वे गियू हो ने वो बीजो देशो माथे खूब करुरता रो व्यवहार करतो हो। वणो आवी ने इजराइल रा राज्य ने नाश करो करी दीदु। असुरिया इजराइल माथे आवी ने घणो जनो रे मारी नोखिया ने चाहतो वो लूटी लीदु ने देश रो कई हिस्सों रे बाली दीदा। असीरियो सब अगुआ ने धनवान मनखोर ने एरो मनखो ने जो कीमती वस्तुओं वनी वनावी हेकतो हो एक हाथ है बेलो करी दीदो ने वनो सबो हो असुर देश माय ले ने गया। इजराइलियो माय हो बस थोरो गरीब इजराइली बसेलो वे तो हो बसे असुर वना देश माय रेवारे पत्ते विदेशियों रे ले ने आयो। वना विदेशियो वना नगरों ने ते पासो वनावियो जो इजराइलियो वटे बसावियो हो वना हाथ है वना शादी विवाह करी लीदा अड़ो मन खोरी संतान ने सामरी के वहो। यहूदा ना राज्य रो मन खो देखियो के केवी रीते वना परमेश्वर रे आज्ञा रे तोड़ी ने वना माथे विश्वास नी करवा हो। इजराइल मन खोरे दंड आलियो है पर एना बाद भी वनो कनानी देवताओं ने मूर्तियों ने उपासना की दी हो। परमेश्वर वनो ने चेतावनी देवारे वाते भविष्यवक्ता मोख लिया पर वनो होबेल वारे वाते ना कियूं। लगभग हो वर हो बाद असूरिया इजराइलियों रा राजा ने नाश की दू। परमेश्वर बेबीलोन राजा रे नबुकदनेस्सर योद्धा रा राजा माथे हमलो करवा मोख लियो। बेबीलोन एक शक्तिशाली देश वेतु हो। योद्धा नो राजो नबुकदनेस्सर नो दास वनारे वाते ने हर साल वनारे खूब धन माल देवी अणि वात माथे राजी वे कियो पण थोरो वरहो बाद योद्धो ने राजा बेबीलोन ने राजा हो में विरोध करी दीदो। अणाहु बेबीलोनियों ना पासे आवी ने योद्धा रा राज्य माथे हमलो करी दीदो वनो यरूशलेम नगर माथे कब्जो करी लीदो मंदिर रे तोड़ी दीदो ने नगर ने वनारा खजाना रे लूटी लीदो। विरोध करवारा कारण योद्धारा राजा रे दंड देवारे वत्ते नबुकदनेस्सर रो सैनिक वनारा बेटा रे वनारे होमो मारी दीदो ने वनारे अंधो करी दीदो। अना बाद वो राजा ने ले गियो ताकि वो बेबीलोन रा जेल खाना माए पड़ियो पड़ियो मरी जाए। नबुकदनेस्सर ने वनारी सेना योद्धारा राज्य न लगभग सब मनखो ने बेबीलोन ले ने गया। सिर्फ जो वदारे गरीब वे तो हो वनो ने वटे छोड़ी दीदो ताकि वटे वो खेतों में फसल उगारी सके। अना टेम रे बंदुआई क्यों है जना माथे परमेश्वर रो मनखो रे प्रतिज्ञा ना देश में निकली ने जावारे वाते मजबूर करिया हो। भले परमेश्वर आपनो मनखो ने वनारे पापो रे वाते बंदुआई माए लई ने जावारे द्वारे दंड दीदो ने तो भी वो अपनी प्रतिज्ञा ने नी भूलियो। परमेश्वर अपना मन खोरी देख रे कर्म चालू रखी ने वनो ने भविष्यवक्ताओं रे द्वारे वातो करतो रियो। वने प्रतिज्ञा की दी के 70 वर्षों बाद वो पासो वना प्रतिज्ञा ना देश में जाही। लगभग 70 वर्षों बाद फारस रो राजा कुसरुएल बेबीलोन रे हरावी दीदू। अणाहु बेबीलोन रे साम्राज्य तो नीपण फारस ना साम्राज्य कई देशों माथे राज की दू। इजराइल मनक हवे यहूदी केवा तो हो वनो मायलो गणो जना तो बेबीलोन मायज आपने जिंदगी पूरी करी दीदी। सिर्फ
थोरो जनो या डोकरो जनो युदारा देश में वेतो हो। फारीसी मनक घणो परिस्थिति में वेतो हो, पण वणो आपनो जीतेलो मनखो माथे दया की दी हो। फारीसी मनखो रे राजो वणिया थोरा टेम बाद कुसरू है एक आदेश दीदो, कोई भी यहूदी जो यहूदा में पासु जावु चाहे वो फारासु निकली ने पासु यहूदा देश में जाई सके है। ने राजे वणा ने मंदिर बनावना रे वास्ते धन भी दीदू। अणा हूँ दुआई 70 वर्षों बाद यहूदियों नु एक छोटू झुंड यहूदा में यरूशलेम जातु रही। जनी वेला वो मनक यरूशलेम पोसियो तो मंदिर ने नगर ना सियारो तरफ नो दीवारों ने पासो बनावियो। फारीसी मनक अबार भी वनो माथे राज करतो हो, पर एक बार पासो वो प्रतिज्ञा ना देश में रही रिया हो ने अपना मंदिर में आराधना भी करे रिया।